सब्सक्राइब करें QCL को, बेहतरीन और निश्चित आपके लिए प्रेस कर लें बेल आइकन को भी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ 3 फरवरी की वीडियो को फुल वॉच करें। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी आप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक और कॉमेंट मेरे अंदर, जो भी आपके कॉमेंट्स लाइक हैं, वो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं। एटलीस्ट आपके जो अपने आपकी बात का मान रखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर वो टाइम की कमी की वजह से ना सुन पाते हों तो हेडफोन या म्यूट करके भी छोड़ देंगे, लेकिन फुल टाइम तक वॉच होगी वीडियो। तो हमारी बहुत ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ऐसा करें, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है मुझे और QCL को। अगर सुनेंगे तो बेनिफिट, लेकिन नहीं सुन पाएंगे तो वो टाइम काउंट तो होगा। तो ये मेरी आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 आप इस मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए, थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3 फरवरी 2020 की करंट अफेयर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा फुल वॉच कीजिए, कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर जो लोग बिजी हों सुनेंगे तो बेनिफिट, नहीं सुनेंगे तो एटलीस्ट हेडफोन या म्यूट करके ही छोड़ दें, लेकिन सुने ज़रूर। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कंप्लीट वॉच करें। पहला क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया है? तो 2 फरवरी को मनाया गया है अभी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अभी 2 फरवरी 2020 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है और ये हर साल 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। और ये आर्द्रभूमि की भूमिका के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी आर्द्रभूमि की भूमिका के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्यों मनाया जाता है ये आप लोग समझ गए है ना, वेटलैंड का रोल क्या है, इसी के प्रति अलर्ट करने के लिए लोगों को मनाया जाता है। इस बार की थीम याद रखनी है आप लोगों को, क्या है थीम? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, डाइवर्सिटी मीन विविधता, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ये मैं भी पढ़ाऊंगी आपको एनवायरमेंट में आगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया आर्द्रभूमि के बारे में, है ना, याद रखिएगा आर्द्रभूमि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी किस बैंक ने स्वयं सेवा विपणन सेवा आई बॉक्स शुरू की है? यानी ऐसे याद रखिए आप इस क्वेश्चन को, किस बैंक ने अभी आई बॉक्स सर्विस लॉन्च की है? अभी किस बैंक ने, हाल ही में किस बैंक ने आई बॉक्स सर्विस लॉन्च की है? हाल ही में किस बैंक ने अभी आई बॉक्स सर्विस लॉन्च की है? तो आई बॉक्स सर्विस लॉन्च की है किसने? ICICI बैंक ने। अब ये क्या है आई बॉक्स सर्विस? तो एक कस्टमर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक्स, वॉट एवर, जो भी बैंक की चीज़ें होती हैं वो यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, चेक बुक है, कुछ भी है, ये सारे जो जितने भी बैंक के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री होती है, जो भी कार्ड्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो अपनी नियरेस्ट ब्रांच से कलेक्ट कर सकता है अगर कोई दिक्कत होती है उसे तो, ठीक है। अगर ये खो जाए या कुछ, मान लो एक्सपायर हो जाए, कुछ हो जाए, तो अपनी नियरेस्ट पास वाली ब्रांच से कलेक्ट कर सकता है, ले सकता है। पहले क्या होता था कि आप अकाउंट जिस बैंक की जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है वहीं से आपको कलेक्ट करना होता था, चाहे वो चेकबुक हो आपकी, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स हों या डेबिट कार्ड्स हों,
लेकिन अभी इस आई बॉक्स सर्विस के शुरू होने से क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास में सबसे पास में जो ब्रांच है आईसीआईसीआई बैंक की, वहाँ से आप अपने अकाउंट की यानी चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉट एवर यू हैव, जो भी आपके पास था, वो जो आप चाहते हैं लेना, वो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, उनसे मुतालबा कर सकते हैं कि हमारी ये चीज़ हमें मतलब दे दें। तो वो है आई बॉक्स सर्विस, ये कस्टमर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ना, जैसे आर्द्रभूमि की इम्पोर्टेंस के लिए जागरूकता, आर्द्रभूमि की इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है ना, तो इसी तरह कस्टमर्स की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए, कस्टमर की ज़रूरत को समझने के लिए, कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए ये आई सी आई सी आई बैंक ने आई बॉक्स सर्विस लॉन्च की है। आईसीआईसीआई बैंक की बात है भाई, तो ये बैंक की स्थापना कब हुई है? अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है आईसीआईसीआई बैंक की? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई, आईसी का फर्स्ट आईसी है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड सेकंड आईसी का इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लास्ट वाले आई से इंडिया अपना देश, ठीक। अब 1994 में इसकी स्थापना हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसके चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो कौन है? संदीप बख्शी। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय बिसारिया को अभी किस देश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में किस देश में अजय बिसारिया को इंडिया का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है? हाल ही में किस देश में भारत का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है अजय बिसारिया को? अजय बिसारिया को किस देश में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो अजय बिसारिया अब ये हाई कमिश्नर होंगे इंडिया के, और ये कहाँ होंगे? कनाडा में। कनाडा के हाई कमिश्नर के लिए अपॉइंट किया गया है अजय बिसारिया को। अब अजय बिसारिया कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर होंगे, ठीक। कनाडा की बात है, पहले सुनिए अजय बिसारिया के बारे में थोड़ा सा। अजय बिसारिया अभी तक अगस्त 2019 तक पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर हुआ करते थे, यानी पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर होते थे अजय बिसारिया अगस्त 2019 तक। लेकिन अब कनाडा में अजय बिसारिया जी को भारत का हाई कमिश्नर अपॉइंट कर लिया गया है ना। तो कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, कैनेडियन डॉलर करेंसी है, और जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं, जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पीएन गौरी लंकेश पुरस्कार से अभी किसको सम्मानित किया गया है? पीएएन गौरी लंकेश पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया है? तो गौरी लंकेश पुरस्कार, पीएएन गौरी लंकेश पुरस्कार, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है, और ये मिला है यूसुफ जमील को, पत्रकार यूसुफ जमील, रिपोर्टर यूसुफ जमील ने प्राप्त किया है पीएएन गौरी लंकेश अवार्ड। गौरी लंकेश एक बहुत ही फेमस रिपोर्टर थी, और ये रिपोर्टर थी, और इनकी किसी ने हत्या हो गई थी इनकी, है ना। तो मतलब इनका हत्या वगैरह, मर्डर जो होता है, हत्या मर्डर को कहते हैं ना, तो मर्डर या हत्या हो गई, तो उसके बाद गौरी लंकेश पुरस्कार शुरू किया गया, और गौरी लंकेश पुरस्कार अब मिला है किसको? यूसुफ जमील, और ये कश्मीर के हैं। अच्छा, मैंने इनका नाम पहली बार सुना आज, मुझे पिछले साल करंट अफेयर में मैंने इस अवार्ड के बारे में नहीं पढ़ा था, पता नहीं, हो सकता है मुझसे मिस हो गया होगा ज़रूर। तो गौरी लंकेश ये एक लेडी थी, ठीक है,
इनकी हत्या के बाद इनका इनके नाम से एक अवार्ड शुरू किया गया, ये रिपोर्टर थी, और वो अभी यूसुफ जमील को दिया गया है, कश्मीर के हैं वो। ठीक, अच्छा, पी एन गौरी लंकेश नाम है इस अवार्ड का, ये आपको याद रखना है। ठीक, और तो मुझे इस अवार्ड के बारे में बस, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अच्छा सॉरी, एक बात सुन लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने पी ए एन बोला, पी ई एन है, पी ई एन गौरी लंकेश पुरस्कार था ये। ठीक है, पी ई एन गौरी लंकेश पुरस्कार, इसका पूरा नाम सुन लीजिए, पी ई एन गौरी लंकेश फॉर डेमोक्रेसी आइडियलिज्म पुरस्कार, पी ई एन गौरी लंकेश फॉर डेमोक्रेसी आइडियलिज्म पुरस्कार या अवार्ड, पुरस्कार यानी अवार्ड। अच्छा, ये यूसुफ जमील को मिला है, तो यूसुफ जमील को क्यों मिला है, क्योंकि लोकतंत्र के आदर्शों के प्रति, मतलब आदर्शों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जो है एक अच्छा रोल निभाने के लिए उनको ये मिला है गौरी लंकेश पुरस्कार। ठीक, लोकतंत्र और आदर्शों के प्रति एक अच्छा किरदार निभाने के लिए उनको ये मिला है पुरस्कार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप जरा सा। हाल ही में विनय मोहन पात्रा को किस देश में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है, इनको कहेंगे एम्बेसडर। ठीक है, विनय मोहन पात्रा को अभी किस देश में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है, विनय मोहन पात्रा को किस देश में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है, तो नेपाल में। नेपाल में भारत के अगले राजदूत होंगे विनय मोहन, कौन होंगे, विनय मोहन, ये भारत के राजदूत यानी एम्बेसडर होंगे नेपाल में। अब बात नेपाल की आई है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और कौन है, केपी शर्मा ओली प्राइम, विद्या देवी भंडारी कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इतना आपको नेपाल के बारे में एटलीस्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शशि शर्मा का निधन हो गया, ये कौन थे, दो आपको मैंने बताए, एक अभी हाई कमिश्नर का क्वेश्चन बताया था, एक एम्बेसडर का, अब ये डेथ ले रही हूँ ओबेश्री। ठीक है, तो शशि शर्मा का निधन हो गया, ये कौन थे, हाल ही में शशि शर्मा का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये एक बहुत प्रतिष्ठित साहित्य, मतलब एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, शशि शर्मा एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। और इनका नाम हमें क्यों याद रखना है, तो इनका नाम हमें याद यूं रखना है क्योंकि इनको सोवियत नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया था, शशि शर्मा जी को सोवियत नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और ये एक साहित्यकार थे इसलिए इनका नाम याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिएगा कि ये जो थे मिस्टर पात्रा, जो अभी नेपाल में भारत के ये बने हैं राजदूत, तो इनके बारे में याद रखिए, विनय मोहन पात्रा, कि इनके बारे में ये भी याद रखिए, ये पहले फ्रांस में राजदूत होते थे भारत के, कहाँ, फ्रांस में राजदूत होते थे, तो ये याद रखना है। और वो जिनके बारे में बताया था अजय दिसारी, तो उनका क्या बताया था कि वो पाकिस्तान में थे भारत के राजदूत। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी यूनेस्को और INCCU की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, हाल ही में यूनेस्को और INCCU की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो अभी नई दिल्ली में आयोजित हुई है यूनेस्को और INCCU की बैठक, कहाँ, नई दिल्ली में। इस बैठक की अध्यक्षता की है किसने, हमारे MHRD मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रेजेंट टाइम के MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बैठक की अध्यक्षता की है, किसकी, INCCU और यूनेस्को की बैठक की। अब INCCU का मतलब क्या होता है, इंडियन नेशनल, तो INCCU इंडियन नेशनल कॉरपोरेशन याद रखिए, बाद में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है,
इंडियन नेशनल सेंटर कॉरपोरेशन, और बस इतना ही है, यू में यहाँ पे कुछ नहीं है, सी यू कॉरपोरेशन है, ठीक। तो इंडियन नेशनल INCCU, तो इंडियन नेशनल सेंट्रल कॉरपोरेशन है ये, और मुझे थोड़ा सा सेंट्रल वाले सी में डाउट है, मुझे एक बार देख लूँगी और बता दूँगी। अगर 1% IN इंडियन नेशनल कॉरपोरेशन तो है ही, ये सेंट्रल वाले सी में थोड़ा सा डाउट है, मैं चेक कर लूँगी, अगर कुछ और हुआ इसकी जगह तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो हल्का सा मुझे इसी में डाउट है कि INCCU इंडियन नेशनल और ये सी से सेंट्रल कॉरपोरेशन है, तो ये सी वाले सेंट्रल में डाउट है, ठीक है। अब यूनेस्को और INCCU की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता रमेश पोखरियाल निशंक ने, इसको मतलब इसमें फेवर किया है हमारा इंडिया का, तो नई दिल्ली में हुई है। कहाँ? नई दिल्ली में, याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। यूनेस्को के बारे में भी सुन लीजिए, 1945 में इसकी स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की फुल फॉर्म है। यूनेस्को के हेड कौन है? ऑड्रे ओजुले। और यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभिदाली नीमचवाला ने किस कंपनी के सीईओ के पद से रेजिग्नेशन दिया है? हाल ही में अभिदाली नीमचवाला ने किस कंपनी के सीईओ के पद से रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र दिया है? तो अभिदाली नीमचवाला, ये विप्रो के सीईओ थे, एमडी एंड सीईओ, किसके? विप्रो के सीईओ अभिदाली नीमचवाला ने अभी रिजाइन कर दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। अब विप्रो की बात आई है, विप्रो का हेडक्वार्टर, यूनेस्को की स्थापना भी 1945 में हुई थी, और विप्रो की भी स्थापना कब हुई? 1945 में। विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में। और विप्रो के चेयरमैन कौन है? तो ऋषभ प्रेम जी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में SDG इंडिया 2019 यानी 2019 SDG इंडिया इंडेक्स 2019 या SDG इंडिया 2019 इंडेक्स में कौन सा राज्य अभी शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स यानी सूचकांक 2019 में तेलंगाना टॉप पर रहा है। भारतीय जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों में नंबर वन पे रहने वाला है तेलंगाना। कौन? तेलंगाना। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2019 इंडेक्स में नंबर वन पे रहा है। कौन? तेलंगाना। अब तेलंगाना नंबर वन पे रहा है, तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, तेलंगाना की जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव और डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन, ये इसकी राज्यपाल यानी गवर्नर हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को पृथक होकर आंध्र प्रदेश से राज्य बना था, 2 जून 2014 को, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईबीएम के नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? आईबीएम के नए एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? हाल ही में आईबीएम के नए एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो अभी अरविंद कृष्ण बने हैं आईबीएम के प्रेजेंट टाइम पर नए सी मतलब प्रेजेंट सॉरी मिनिस्टर का याद आ गया नए सीईओ ठीक है कौन नए सीईओ बने हैं एमडी एंड सीईओ बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं अरविंद कृष्ण यानी अभी लेटेस्ट कौन बन गए हैं अरविंद कृष्ण बन गए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ आईवीएम आईवीएम की बात चल रही है आईवीएम की स्थापना कब हुई है 1911 में आईवीएम की स्थापना हुई आईवीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है न्यूयॉर्क में और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बन गए अरविंद कृष्ण तो ये आपको याद रखना है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में डोर स्टेप पेंशन योजना अभी किस राज्य सरकार ने शुरू की है हाल ही में डोर स्टेप
डोर स्टेप पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है, डोर टू स्टेप या डोर स्टेप पेंशन योजना। किसने? आंध्र प्रदेश ने। इसका नाम है YSR पेंशन कुनका। नाम आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, YSR पेंशन कुनका, YSR पेंशन कुनका। दोबारा बता रही हूँ, YSR पेंशन कुनका। और ये डोर टू स्टेप कहिए या डोर स्टेप पेंशन योजना है, ये राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। इसमें क्या होगा कि बेचारे जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, ओल्ड एज, बुजुर्ग लोग, वैसे तो बुजुर्गी तो सब पे ही आनी है एक ना एक दिन, तो बेचारे तो नहीं कह सकते क्योंकि बुढ़ापा भी जीवन का एक पार्ट है। तो बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं जिनको पेंशन दी जाती है, तो वो मेरी आदत ही, तो वो लोग जो है बैंक जाते हुए परेशान ना हो, उनको बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े, परेशानी ना हो, इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने उनको घर बैठे पेंशन भिजवाने की, कोई बंदा आएगा और घर पे ही कोई बंदा आएगा और उनको पेंशन देने की योजना शुरू की है। क्या नाम याद रखना, है आपको बताया था क्या नाम बताया था? YSR पेंशन कुनका। तो इसमें जो वृद्ध पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन, वो घर बैठे ही बुजुर्गों को दे दी जाएगी, आकर कोई बंदा हर महीने देगा, है ना। तो ये मतलब घर घर डोर टू डोर पहुंचा दी जाएगी। तो बैंक जाने की जो परेशानी है, बैंक की जो वो जाते हैं, कोई दिक्कत होती है उन्हें, तो उससे वो मुसीबत से, परेशानी जो भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है किसी की तबीयत खराब है, कोई जा ना पा रहा हो, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरीके से। तो YSR पेंशन उनका, और क्या नाम है, डोर स्टेप पेंशन योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला पहला राज्य है भारत का। आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है, भारत का, किसका, अपने देश भारत का, भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है जी? फिलहाल तो है हैदराबाद, लेकिन प्रस्तावित क्या है? अमरावती। और ये तो बता दिया है ना, बेस्ड बेसिस टू लैंग्वेज, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया है ये तो। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर बताती हूँ कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस बैंक को 1,40,00,000 रुपए के ऋण की मंजूरी दे दी है? हाल ही में नाबार्ड ने किस बैंक को 1,40,00,000 के ऋण की मंजूरी दे दी है? हाल ही में I'm so sorry, क्या करूं, कभी कभी ठीक हो जाती है और कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है। मतलब जब से ये वायरल चला है, 4 दिन तबीयत ठीक रहती है, 2 दिन ठीक रहेगी, 1 दिन ठीक रहेगी, 1 दिन खराब रहेगी, वायरल अभी तक पूरी तरह गया ही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने, नाबार्ड ने किस बैंक को 1,40,00,000 रुपए के ऋण की मंजूरी दे दी है? तो पंजाब स्टेट्स एंड एग्रीकल्चर बैंक को, पंजाब स्टेट्स एंड एग्रीकल्चर बैंक है, कौन सा, पंजाब स्टेट एंड एग्रीकल्चर बैंक, नाम सुन लीजिए, पंजाब स्टेट एंड एग्रीकल्चर बैंक को 1,40,00,000 रुपए का लोन देगा नाबार्ड। और नाबार्ड ने ये 1,40,00,000 का लोन पास कर दिया, मतलब मंजूरी दे दी है, देने पर, ऋण देने पर, लोन देने पर 1,40,00,000 का अपनी मंजूरी दे दी है। अब बात हुई है नाबार्ड की, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई इन 1982 में हुई है नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड के MD एंड CEO कौन है? हर्ष कुमार भनवाल। कौन है? हर्ष कुमार भनवाल, याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये है आज का करंट अफेयर, कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
Thanks for watching.